में उतार चढ़ाव देखने के बावजूद रिश्ते संभालना नहीं सीखा और लड़कियों का ही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े हैं। बिल्कुल। <laughs> देश आवाज ये, ये का क्वेश्चन आपका जो सवाल था उसका तो थोड़ा टाइमलाइन इधर उधर हो गया आपका मैंने अंकिता के बारे में बोला अंकिता भरोसा करना चाहूंगा उसके बाद आपने बोला उनपे कीचड़ डाला डस्टबिन में खड़ा कर दिया वो पहले की बात वो डस्टबिन और कचरा वो साउंड ऐसा करता है कि वो भाई मैंने क्या ही कर दिया बट वो टाइम बहुत मैटर करता है तो उसके बाद मैं उनके पास जब जो मटका डालने वाली कचरा वाली बात थी उसके बाद मैंने उनसे बात कर ली थी हमारा शॉर्ट हो गया था एंड उसके बाद मैं उनके लिए खड़ा था Uh, बहुत ही क्लियरली एक मोमेंट आया जब मुझे पता चला कि मेरा उनके लिए स्टैंड लेना कहीं ना कहीं विक्की भाई को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है और मैंने उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं बोला उसका रीज़न ही ये है कि मैं समझता हूँ कितनी सेंसिटिव चीज़ है इसके बारे में ना बोलना चाहिए ना कहना चाहिए रही बात मनारा की कि मनारा का मैंने सहारा लिया है तो पूरा सब लोग जानते हैं कि मैंने कोई सहारा नहीं लिया मनारा को हमेशा मैंने मोटिवेट किया है हमेशा पुश किया अच्छे गेम के लिए और और औरतों का सहारा आप जो बोल रहे हो गेम में तो नहीं ऐसा कभी नहीं था औरतों का सहारा डेफिनेटली अंकिता की तरफ से भी मेरी तरफ से दोस्ती थी हमारी दोस्ती थी और यहाँ पे आप जब रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की एक दूसरे को खटकती है जिसकी वजह से ये रीज़न होता है अभिषेक मेरा दोस्त रहा है रिंकू जी और जिगना जी जाते जाते और रहने तक भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे और मनारा की जब तक आप बात करें तो मनारा का यही बोलूँगा कि जबान जो ज़बान होती है ना इंसान जो रिस्पेक्ट होती है ना वो अपनी जबान से जो आ, आपको जो हर्ट करती है ना वो इस हद तक लगता है कि मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता आप बोल रहे हो औरतों का आ, कंधे पे ले लेके गया औरतों को रिस्पेक्ट दी है मैंने डेफिनेटली और अगर खेल कर छोड़ना होता मैं हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता मेरी यहाँ पे किसी लड़की से अगर नहीं भी बनी दोस्ती दुश्मनी में भी तब्दील हुई है मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी उनसे कि अब मेरा काम हो गया तो आप मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते मैंने कभी नहीं किया तो मैंने इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा और रही बात आ, सिर्फ लड़कियों से दोस्ती नहीं नहीं मेरी यहाँ पे आ, विक्की भाई से भी बहुत अच्छी पहले दोस्ती थी अभिषेक से भी दोस्ती थी तो तो बहुत ही आ, हर तरफ का का मेरा एक दोस्ती वो रहता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे पे लड़कियों के पे पे, के कंधे रह अंकिता के साथ आपकी दोस्ती एक टास्क के लिए इतनी हल्की थी कि बिखर गई बिल्कुल मैं और भी मारा ये ये क्वेश्चन आपका वहां होना चाहिए क्योंकि मैंने एक टास्क किया और टास्क में मैंने उन्हें कहीं हर्ट नहीं किया एक हमारे पास एक सिचुएशन आई बिग बॉस ने एक डिसीजन बोला और हमने एक डिसीजन लिया मैंने उनको कहीं अपने लफ्जों से और अपनी बातों से कहीं हर्ट नहीं किया था उनको ज्यादा हर्ट हो गया था क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मुझसे मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी मेरा, मेरा हर्ट से मैं आंसर कंप्लीट मैं आंसर कंप्लीट कर दूं एग्जैक्टली यस यस तो मैं वही बोल रहा हूँ मैंने उनका इतना कुछ नहीं बिगाड़ा गेम के आ, परस्पेक्टिव से अगर देखे तो कि मेरी दोस्ती इतनी कमजोर थी कुछ चीज उनकी साइड से ही कम होने mm -hmm. लगी साइड होने ये लगी मेरा मेरा मुन्ना की तरफ से दोस्ती मेरे ऊपर आ रही मुन्ना मुन्ना का हमेशा दोस्तियों को लेकर अगर मुन्ना से मैं मैं बोलती स्टेप बैक ले रही तो मुन्ना ये बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं दैट्स योर कॉल अगर उस दिन मनारा सामने खड़ी थी और मैं मुन्ना से एक्सपेक्ट करी थी मुन्ना मुन्ना नहीं बोले वही मैं बोल रहा हूँ एक झगड़ा चल रहा है जिसके अंदर चार लोग ओवरलैप कर रहे हैं और ये उनसे मेरी बात हो रही है मैं, अगर इनको होती है इनको ये तू मनारा को हटा तो मैं डेफिनेटली होती मुझे मुन्ना से बात करनी है ये मेरी दोस्ती है मनारा

और तो के के कंदे। <laughs> था मेरा सिर्फ हर्ट ये था कि मुन्ना ने मेरे मुझे जब मनारा मनारा खड़ी थी तो को हटाया नहीं और बोला बाद में बात करेंगे हमारे चल रहा था हमारे मसाले थे एंड वी हैड टू प्रोटेक्ट उसके कल आपने अगर लास्ट अभिषेक आप पूरे टास्क में हमेशा कहते नजर आए कि पर्सनल मत जाओ पर्सनल मत जाओ पर्सनल मत जाओ तब हर जब भी तब बोला बोला मैं, मैं तो बहुत पर्सनल मैंने ही आप नहीं, याद नहीं होगा मैंने अरे क्वेश्चन ही नहीं है बोला ही नहीं लेकिन जब भी आप गए हैं लोगों के ऊपर जब भी आप गए हैं लोगों के ऊपर पर्सनल गए हैं अरे मैं जाता आपकी अंकिता के साथ लड़ाई होती है सॉरी विकी के साथ लड़ाई होती है आप अंकिता को ड्रैग करके लेके आ जाते हैं की तेरी तेर को और तेरी बीवी को मैं वो शब्द बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरे घर पे अरे वो इन्होंने खुद ही बोल दिया था अगले दिन अगले दिन लेकिन आपको हक नहीं बनता ना कि आप किसी की उस कि उसका मतलब ही वो वो नहीं है वो तो वो बोल बोल नहीं है तो सलमान सर भी भी कई कई बार 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 बोल चुके हैं और और इन्होंने कितनी बोला हम न्यूज में सुनते आपके मेंटल हेल्थ के बारे में जब बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया हम सबको बुरा लगा लेकिन आप ही थे जिसने खानजादी के भी मेंटल हेल्थ का इतना मजाक बनाया था तब आपको वो बातें क्यूँ नहीं याद आई की आप भी किसी के मेंटल हेल्थ का मजाक बना रहे एक बार में तीन क्वेश्चन पूछ गए बट मैं आंसर देता हूँ तो आपको बुरा तो जी मैं आंसर देता हूँ पहली बात तो खान सादी ने वो चीज खुद बताई थी और वो सिर्फ मैंने वो टास्क में यूज़ करी थी जो भी था बट मैंने उसको यूज़ उस वे में नहीं किया था कि तू ये हो गया था वो क्योंकि उसने झूठ बोला था वो जब आ, मेडिकल रूम में गई थी उसने बाहर आके मेरे को बोला था कि मेरी पुरानी मेडिकेशन स्टार्ट हो रही है और शायद मैं दोबारा से व्हील चेयर पर बैठ सकती हूँ ये डॉक्टर ने मुझे कहा है और शायद मैं इस घर से वापस भी जा सकती हूँ तो मैं डर गया मैंने कहा यार इतना तो धीरे से गिरी इतनी पुरानी मतलब इतनी हो तू हर्ट कैसे हो सकती है फिर अगले दिन बिग बॉस ने ऑफलाइन स्टेटमेंट दी कि डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं तो मेरे को लगा कि यार ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है तो मेरे मन में वो चीज़ थी कि यार ये झूठ बोल रही है और झूठ से ही हमारा एक रिलेशन स्टार्ट हुआ था जो उसने ब्रेकिंग न्यूज में बोला था कि मैं मेरा दिल अभिषेक के लिए धड़क रहा है और उसने जब वो टास्क हार गई थी उसके बाद उसने बोला था कि मैं झूठ बोल रही थी तो मेरे मन में उसके लिए हमेशा ये था कि झूठ 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 लेके चल रही है जैसे कई बार हम बैठे होते थे तो मेरा हाथ पकड़ लेती थी हाथ पकड़ने के टाइम वो कैमराज को देखती थी तो मेरे को लगता था कि वो कैमरा के लिए ये सब कर रही है बट बाद, बाद में उसने मेरे को बोला कि मैं इसलिए देखती थी कि कैमराज तो नहीं देख रहे तो हम पकड़ लेते हैं उस वे में तो मेरे को लगता था कि झूठ से ही हर चीज़ें स्टार्ट हो रही है तो मैंने इसलिए उसको उस चीज़ के लिए बोला और फिर मेरी मेंटल हेल्थ में जब बात आई तो ऑब्वियसली जब मेंटल हेल्थ में बात आती है तो मेरे को हर्ट होता है प्लस मैंने वो चीज़ यहाँ पे खुद से नहीं बोली थी ईशा ने वो चीज़ निकाली थी क्योंकि ईशा जब मैं ब्रेकअप जोन में था मैं मूव ऑन जोन में था तब मैंने ईशा को बोला था कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ और मैं मेंटल, मेंटल हेल्थ अगर आप बोल रहे हो तो मैं उस चीज़ की मेडिकेशन ले रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और हम फिर से साथ में हो जाएँ और मैंने शायद डॉक्टर का नाम भी बताया था नंबर भी बताया था हर चीज़ बताई थी कि आप पूछ सकते हो क्योंकि मुझे आप वापस चाहिए मेरी लाइफ में मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ मैं उस वे में उसको बोल रहा था मुझे नहीं पता था वो एक साल के बाद बिग बॉस में वो चीज़ यूज़ करेगी और जब उसने वो यूज़ करी मेंटल मेंटल बोला तब मेरे को वो चीज़ इतनी हर्ट हुई कि अच्छा ये वहाँ पर इंडिकेशन दे रही है बार बार कि वहाँ पर तू जाता था वहाँ पर वो जाता था तो मैंने बोला कि ईशा ये मत बोले यार मेरे को ये चीज़ बुरी लग रही है तो उसने वो चीज़ का बार बार यूज़ किया फिर उसने समर्थ को भी स्टोरी बताई समर्थ के साथ भी वो चीज़ उसने यूज़ करी तब जब मेरे को मैं क्लोस्टोफोबिकू आई थिंक अगर आप बाहर हो तो आपको पता होगा मैं सच में बहुत बड़ा क्लोस्ट्रोफोबिका अगर ये ब्लाइंड्स भी बंद होती हैं तो मेरे को क्लोस्टोफोबिया फील हो रहा होता बट मैं बोलता है, नहीं हूँ कि वो लगेगा कि क्यों उस दिन गुस्से में मेरी सांस भरने लग गई थी तो क्लोस्टोफोबिया मेरे को फील होने लग गया था उस वक्त उसने जब मेंटल वाली बात बोली तो मेरा दिल कर रहा था कि वहाँ पर भी मैं उसको वही चीज़ करूँ जो मैंने वहाँ पर करी थी तो इसलिए मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया जब मेरा मजाक बुरा उड़ा तो मेरे को बुरा लगा ऑब्वियसली बुरा लगता है इक्की भाई ने भी ये क्वेश्चन बोला था तो मैंने इसका आंसर दिया था और पहला क्वेश्चन आपका क्या था ना? यही था ना okay. नहीं नहीं वो वाला जो आ, आप ड्रैग करते हो तो ये जब रिश्ते की बात कर रहे थे विक्की भाई उस दिन की आपका रिश्ता आयशा के साथ है आपका रिश्ता मुनावर के साथ है तो मेरे रिश्ते गिनवाए जा रहे थे तो इसलिए मैंने विक्की भाई का सबसे क्लोज रिश्ता गिनवाया जो थी अंकिता जी जो कि हमारी कभी भी बनी नहीं है मैंने कभी इनसे मेरी वाइब मैच नहीं हुई है बहुत ट्राई करा कभी आ, मैच नहीं, नहीं हुआ कभी हुई नहीं मेरी हुई थी थोड़ी सी पर इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए दिल से खेलती है तो, तो इनकी हो जाती exactly, है एक्जेक्टली ये खेलते ही नहीं है दिल से मैं कैसे खेलता हूँ ये खेलते ही नहीं है बात करिएगा मैं दिल से ही खेलता हूं चलो किसवे में उसवे में तो जैसे आपके साथ खेला मैंने तो विक्की भाई ने वो चीज जैसे इनका रिश्ता ये मेरे रिश्ते लेके आ रहे थे तो मैंने अंकिता जी का भी रिश्ता लेके आया और मैंने उस चीज पे बोला कि अगर आप इन्होंने पहले बोला था कि तेरे को मैं पूरे शो में वो करूंगा तो मैंने बोला था कि ये ऐसे करूंगा वो मेरे को अभी बोलना नहीं हो कि आपको लग रहा है मेरे को वो चीज बुरी नहीं लग रही है बट वो वर्ड बहुत लोग कितनी बार अंकिता बोलते अंकिता हैं हैं बोलते मैं इनसे बहुत हाय गाइस मेरा नाम अंकिता भल्ला है मैं बॉलीवुड बबल से हूँ मेरा सवाल पहले मुनवर से है Uh, मुनावर ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए चल रहा है इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स बाहर आए और जो आपके फैंडम ने आपको एक तरह का सपोर्ट दिया है इनफैक्ट सेलिब्रिटी सपोर्ट सिस्टम आपके लिए इतना स्ट्रांग था क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए बिग बॉस ये बाहर की इन्फॉर्मेशन दे रही <laughs> 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 uh, uh, आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी उससे मैं अवेयर नहीं था जो आपने अभी बोला ये वो हम हमेशा यहाँ पे जो होते हैं और बिग बॉस ने इस बार मोहल्ले में मैं कहता हूँ कि तीन मकान बसाए और मेरे एक दो उजाड़ दिए <laughs> तीन तीन तो तो तीन दिए तो बसाए मैं वही मैं मैं, मैं 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 ये जोक में मैं जोक में कहता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ही इम्बेरस हूँ इस चीज को लेकर और कहते हैं ना कि आप एम्बेस तो लेकिन आप काम पे हो कि गोली खा के मेरा बॉस बोलता था कि बुखार है गोली खा के काम पे आ जा तो मैं काम पे हूँ मैं यहाँ पे बहुत मैं अपना मेंटली कहाँ गया था मुझे पता है मैं सिचुएशंस को लेकर और रियलिटी चेक की बात करते कि वो बोलते ना कि आप चाहे कहीं पर भी हो आप सबसे इज्जत वाले मुकाम पर हो अगर ऊपर वाला चाहे तो आपको वहाँ भी बेइज़्ज़त कर सकता है तो मैं एक ऐसी जगह पे एम्बेरस फील किया मैंने और कहीं ना कहीं मुझे उससे बाहर आने के लिए मोटिवेशन भी ये बिग बॉस का नाम ही था कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है जो किसी को नहीं मिलता है तो अगर मेरे नसीब में इतना बेइज्जत होना लिखा है मेरे नसीब में बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना भी लिखा है तो कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो मेरी आगे की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हो रहा है और जिस तरह दिखाई गई है चीज़ें कहीं ना कहीं हाँ मैं गलत हूँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप भी अपने आप को डिफेंड करते वक्त बाहर नहीं लाना चाहते हो इसलिए आप चुप रह जाते हो बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है और मैं आपकी एक बात से ये अग्री करूँगा कि फैंस ने सपोर्ट दिया हुआ ये हुआ क्योंकि वो मुझे जानते हैं मुझे देखा हुआ है रिलेट कर सकते हैं मुझसे और वो मेरी जर्नी जानते हैं मैं एज ए इंसान भी मुझे जानते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे उन्होंने बिग बॉस में देखा है मेरे बहुत ही लाइव चीज़ें देखी है और मैं उनसे कनेक्ट रहा हूँ पिछले चार सालों से तो वो जो सपोर्ट है वो दुआएँ हैं किसी की कि अगर दो का बुरा कर...